के बाली विधानसभा क्षेत्र के लेलौवा अंचल छोड़ के हजारों युवक और महिलाएं आज भाजपा में शामिल हो गई। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की ओर से टीएमसी के कई कार्यकर्ता अग्रसर हो गए। यह कार्यक्रम बाली विधानसभा मंडल टोक के तहत किया गया है। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के ब्रांड नेता भाजपा के भगत प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य, उमेश राय, ओम प्रकाश सिंह, योगेश सिंह, शरद यादव आदि लोग उपस्थित। देखा जाए तो 500 की संख्या में लोग भाजपा से जुड़े। যেখানে 70% বেশি সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা থাকবেন। ভাই দাদা আজকে কি প্রোগ্রাম হচ্ছে এখানে? আজকে আমাদের জয়েনিং প্রোগ্রাম আছে। আমরা বিজেপি টিএমসি থেকে সিপিএম থেকে আমরা 500 লোক জয়েন করিয়েছি, যারা টিএমসি থেকে উবে আমাদের পার্টিতে আসছে। আমাদের 100 নতুন মহিলা সিপিএম থেকে বিজেপি থেকে এসেছে। আর এইবারে আমরা যা বিধানসভা লোকসভা যা হেরেছি, যা 56 ভোট থেকে হেরেছি, বুথে কিছু লোক ছিল না। এইবারে যেরকম লোক আমাদের দিকে উপছে আসছে, সেরকম আমরা প্রত্যেক বুথে লোক দেব, ভালো করে চুনাওটা লড়বো, একবার জিতিয়ে দেখিয়ে দেব এই বিধানসভা। আমরা দিদি বলেছে 2019 বিজেপি ফিনিশ, আমি বলছি 2021 আর দিদি ফিনিশ। আমার শুভ নাম মনোজ সিং, বালিমন্ডল অধ্যক্ষ। इंडिया न्यूज के लिए नवीन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश के भांडेर ब्लॉक में गिट्टी क्रेशर संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम कायदों को ताक पर रखकर पत्थर का कारोबार किया जा रहा है। नियमानुसार परिसर में पौधारोपण कराना तो दूर तक, अब तक इन्होंने दूर उड़ने से रोकने के लिए न तो मशीनों की स्क्रीन पर एवं सीट लगाई है, न वाटर प्रकरण से पानी का छिड़काव कर रहे। ऐसे में रोजाना बड़ी तादाद में कैचों से निकलने वाली धूल हवा में घुलकर मजदूरों सहित गाँव में रहने वाले लोगों की सेहत का खतरा बना हुआ। सेहत के साथ साथ ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला ने पथरिया ततारपुर में जाकर तफ्तीश की तो पता चला कि गांव में रहने वाले राम प्रताप दोहरे ने अपनी आपबीती बताई और कहा कि पहाड़ी पर विस्फोटक सामग्री से विस्फोट होता है, इसमें हमारी बहू का हाथ टूट गया था। जब मैंने सरपंच से शिकायत की तो प्रशासन ने 6 माह बीतने पर भी कोई प्रकार की किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग के अनुसार भांडेर ब्लॉक में 28 किटी क्रेशर संचालित, इसमें से केवल 14 क्रेशरों का संचालन किया जा रहा और लगभग बंद है। संचालित हो रहे क्रेशरों में अधिकांश क्रेशर संचालक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों के बिना ही क्रेशरों का संचालन कर रहे हैं। सलन रोड, बिछोदना रोड, ततारपुर रोड केसरों के सबसे नजदीक पड़ने वाले गांव में अधिक खतरा रहता है। हसापुर, ततारपुर, सलोन, भरोली में केसरों के संचालन से कई बार घटनाएं हो चुकी, इसके बावजूद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला ने भांडेर में रहने वाले रिश्तेदार को फोन किया, कहा कि आपके रिश्तेदार आलोक शुक्ला ने अगर मेरे खदान की खबर प्रकाशित की तो मैं आलोक शुक्ला को जिंदा जला दूंगा। अगर पत्रकारों को ही धमकी दी जा रही है तो ऐसे में आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है? क्या नाम है दादा आपका? हर प्रसाद। ये कौन सा गांव है? ततारपुर पथरिया। अच्छा, जो ब्लास्टिंग होती है उससे आपको क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी साहब, बड़े बड़े डिल्ला और हाथ गोड़े टूट गया, घर मकान उपट गए, तमाम जीडरी चटके चटकाए। अच्छा, आपने किसी अधिकारी को अपने बारे में बताया कि यहाँ पे ये ब्लास्टिंग होती है, इसके द्वारा हमें परेशानी होती है? वो साहब रिपोर्टें करें, कोई सुनते ही नहीं अधिकारी, क्या करें बताओ। अच्छा, ना सरपंच ना सेक्रेटरी, कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, आपके ग्राम के सरपंच का नाम क्या है? राम कुमार। अच्छा, वो उनसे शिकायत नहीं की आपने? आप उनकी खुद लगी, वे सुनते ही नहीं है। अच्छा, उनकी खुद की स्वयं की लगी हुई है? उनकी खुद की स्वयं की। उन्हीं की से तो वो हाथ गोड़े टूट गया था बहू को, उन्हीं की, राम कुमार की। राम कुमार की। अच्छा, क्या नाम है? राम को, हमारा नाम प्रकाश चंद है। अच्छा अच्छा, हम दोहरे हैं, हरिजन समाज के हैं, है ना। हमारी जो बहू हती लेटरिन के लाने गई और जो है उनने गड्ढा घाले तो यहाँ से हाथ चलो, वो उन्हें रुपये ले देखे। हम आ चुके हैं ग्राम ततारपुर में, पथरिया ततारपुर में, पूछते हैं ग्रामीणों से आखिर इन लोगों को क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? हमारा सर प्रकाश चंद नाम है। अच्छा, हमारे यहाँ जब ब्लास्टिंग से एक तो मकान गिर रहे जी, दूसरी बात का है सर, हमारे बच्चे हल्के बच्चे बूढ़े पुराने जाती हैं लेटरिन के लाने, है ना, जो है गड्ढा घालते हैं बिल्कुल माने कुल मिला के 10 मीटर दूर टोरिया लगी है। ये सरपंच थे, इनने लेके का काम करो कि सरपंच सोम हती और वो प्रस्ताव डाल डूर के इनने टोरियन की मंजूरी करवा ले। इससे परेशानी हमें जा है कि एक तो मकान हमारे गिर रहा है, दूसरी बात का है कि एक बहू हमारी लेटरिन के लाने गई थी, उसका यहाँ से हाथ चलोगो, इनने लेके रुपये दे लेके और ना थाने को SDM साहब को शिकायत करी थी, TI ने गई थी, का चाचा सब जन में गए थे, लेकिन कुछ समझ अच्छा, नहीं। कितने दिन हो गए हैं शिकायत की हुए आप? शिकायत को करीबन का चाचा 6-7 महीना हो गए होंगे शायद। नहीं, 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 नहीं,
अच्छा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं होती है और जब 10-11 की अधिकारी आते हैं तो महीना खान के लाने बंद कर देते हैं और रुपए जल्ले देकर बिता के फंस जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या नाम बताया, नाम प्रकाश चंद, प्रकाश चंद ने साफ साफ आरोप लगा रहे हैं यहाँ पट्टी पथरिया ततारपुर के सरपंच के ऊपर, जिनके नाम दिव्य क्रेशर स्टोन के नाम से एक क्रेशर भी संचालित है, उन पर साफ साफ आरोप लगाया है कि इनकी बहू को क्षतिग्रस्त हुई है पहाड़ी जो ब्लास्टिंग होती है उससे। लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी एक भी, जो भी भांडेर के हों चाहे दतिया के हों, एक भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी औचित्य कार्रवाई नहीं की। आखिर क्या कारण है कि जो कार्रवाई नहीं हो रही है और धरले से संचालित हो रही है ये क्रेशर है। आलोक शुक्ला, बीके न्यूज, भांडेर। आम इंसान, आम नागरिक, आम नागरिक ये परेशान हो रहा है जिससे कि उसकी आंखों में ये डस्ट जाती है। यहाँ के आसपास के किसान है कई बार प्रशासन को लिखित रूप में शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की ओर से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने पता किया तो पता चलता है हाल ही में बनी हुई कांग्रेस सरकार, उसके ये नेता है, कांग्रेस सरकार में कोई पत्थर है, इसलिए ये प्रशासन कोई औचित्य कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कौन सा गांव है ये? पथरिया ततारपुर। अच्छा, आपको जो ब्लास्टिंग होती है इससे क्या परेशानी आ रही है आप लोगों? मकान हालत हमारे गड्ढा, घर गिर रहा है हमारे, हमारे बाल बच्चे को परेशानी है। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से नहीं की? सबसे करी, कोई नहीं सुना। ये बंबू तो हाथे टूट गया, लेटर के लाने जो जिज्जे है ना इतने भजरी कोई सुनत नहीं है, पैसा ले दे दे सामने पट लेता आपस में। अच्छा, यहाँ के आपके सरपंच हैं राम कुमार सरपंच, उनसे आपने शिकायत की? उनकी खुद लगी खदान। अच्छा, उनकी खुद मशीन लगी। ऐसे ऐसे कुछ कहते नहीं है? नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आइए हम बताते हैं वो घर जो ब्लास्टिंग के द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ है। ये देखिए, ये एक आदिवासी महिला है और ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा घर जो ईंट गारों से बना हुआ है वो पूरा चटक चुका है, ये वाला भी पूरा चटक। अच्छा, आप ये बताइए आपको क्या परेशानी होती है जो ब्लास्टिंग होती है? घर मकान चटक जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे कहाँ पर रहेंगे? इसकी शिकायत आपने नहीं की? शिकायत कर दे, इस डीएम को कोई शिकायत नहीं पहुंची। कब की थी शिकायत आपने? मिला दिना हो गए हमें शिकायत। देख रहे हैं आपके, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को कई बार लिखित में सूचना भी दी लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक क्रेशरों के ऊपर, क्रेशर संचालकों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। संवाददाता आलोक शुक्ला, न्यूज बीके, भांडेर। क्रेशर के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनने प्रदूषण नियंत्रण के जो नियम हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, आइए जानते हैं उनसे। वैसे तो मैंने देखा है और मेरे कैमरामैन के द्वारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रदूषण के नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे जो दिव्य स्टोन क्रेशर है क्या पूछते हैं आप? मैनेजर हैं यहाँ पे। जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, ये आप देख रहे हैं धूल डस्ट उड़ रही है, इसके लिए आपने कोई पानी किया तो बॉन्डी के गिर पड़ी जो है हमारा दिखाया? अच्छा अच्छा, ये कब से बन रहा है? गिर पड़ी जो गिर पड़ी जानी में दोबारा काम चालू हो गया। ये कब तक हो जाएगा? अच्छा, ये बाउंड्री को छोड़ दीजिए, यहाँ पे पौधे भी लगना था लेकिन आपके पौधे नहीं लगे हुए, कहाँ लगे हुए हैं आप देखिए। और दूसरी चीज आप ये देखिए, आप विस्फोटक की अनुमति इस कार्यालय से जारी किए जाने का, यहाँ से दिए जाने का प्रावधान नहीं है, वो जिला स्तर से दी जाती है किसी प्रकार की विस्फोटक की अनुमति। जहाँ तक 14% जिन समीक्षा बैठक बुलाई उसमें 14% चालू अवस्था में पाए गए और उनको एक क्वेश्चनर दिया गया है कि आप इसमें अपनी समस्त जानकारी लेके हमें प्रस्तुत करें कि आप, आपके पास उसमें जो रेलिवेंट प्रोविजन है उसमें उन्हें जो कार्रवाई करना है उससे बिंदुवार जानकारी दी जाएगी। क्या सर आपको पता है यहाँ पे 12-12 इंची तक के जो पहाड़ के ऊपर हॉल किए जा रहे हैं उनमें
50 से लेकर 100 किलोग्राम तक विस्फोटक डाली जाती है जिससे पूरा नगर हिल जाता है। इतने विस्फोटक की करने की क्या अनुमति दी जा सकती है सर? ये अनुमति क्योंकि इस कार्यालय से जारी नहीं होती तो इस विषय में मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अभी ये उनके जानकारी बिंदुवार आ जाए तो उसके बाद भौतिक सत्यापन कर उसका हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और जैसी भी उसको जिला कार्यालय को भेजेंगे। तो जिला कार्यालय द्वारा आपके पास कोई सूचना इस संबंध में नहीं दी जाती है सर विस्फोट के लिए? इस संबंध में इस कार्यालय में अभी कोई जानकारी कि कौन सी किसके विस्फोट की अनुमति है या नहीं है अभी यहाँ मौजूद नहीं है। अब उसको हम जिला कार्यालय में भेजेंगे और जनता कार्य को जानकारी भेज के पता लगाएंगे किस प्रकार की स्थिति है। न केवल ये बिंदु है उसमें और कई सारे बिंदु भी शामिल हैं और उनसे जानकारी ली है। टी वन इंडिया न्यूज के लिए आलोक शुक्ला की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की बात कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि अगर कोई सौदा हमारी बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के सभी SP और जिले के सभी पुलिस कप्तानों को अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि सभी थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाए जिसमें तैनात पुलिस बल स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों सड़कों पर आए दिन प्राय होने वाली छेड़खानी से हमारी बहु बेटियों को बचाएंगे। वहीं जनपद के पुलिस कप्तान अजय साहनी ने बाराबंकी के सभी सर्किल के सभी थाना स्तर पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जिसमें शामिल है एंटी रोमियो टीम जनपद के विभिन्न स्तर थाना स्तर कस्बों में पुलिस स्कूल कॉलेजों और चौराहों पर और सड़कों पर निकलने वाली महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। आपको एंटी रोमियो के तहत क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है, स्थान बदल बदल करके और वो एक जो है चिन्हित करके स्थलों पर कार्रवाइयाँ करनी है। पहली बार कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसमें क्या आपको स्टेप लेने हैं और एक लाल रंग का एंटी रोमियो रेड कार्ड उनको देना है, ये भी अभी आपको यहाँ वितरित कर दिए जाएंगे। एंटी रोमियो रेड कार्ड तो उनको भी आप वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त जब दूसरी बार तीसरी बार या गंभीर घटना में कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उस पर अभियोग पंजीकृत कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। कुछ और क्या नहीं करना है उसमें एक मीटिंग की गई है, जनपद के सभी एंटी रोमियो की टीम थी और इसके अलावा भी थानों में एक टीम बनाई गई है। न केवल एंटी रोमियो की कार्रवाई बल्कि एक महीने का ये अभियान आज से प्रारंभ हुआ है जनपद में जिसमें रैलियां निकाली जा रही है। लगभग सभी स्कूल और 2,00,000 बच्चों को कवर करने का अभियान है इस एक महीने में हम लोगों का और ये उद्देश्य लेकर हम लोग चल रहे हैं इनको कवर करें। इसमें सेल्फ डिफेंस की क्लासेज जनपद के सभी स्कूलों में हम लोग करवाएंगे, रैलियां निकलेंगी। इसके अलावा जो महिला संबंधी अपराध के कानून है, बेसिक पास्को है और छेड़छाड़ की जो चीज़ें हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। और इसके अलावा ये पूरे माह में एक अभियान चलाकर ऐसे जो भी लोग हैं जो कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही एक रेड कार्ड अभी हम लोगों ने प्रिंट करवाया है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। कल से इसको भी जो पहली बार अपराध करते हुए पकड़ा गया उसको जारी किया जाएगा। उसका टी वन इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी। हमीरपुर में बाहुबली पूर्व विधायक अशोक चंदेल और डब्बू सिंह का जिला कारागार हमीरपुर में प्रशासनिक तरीके से तबादला हुआ। अशोक चंदेल जिला आगरा जेल और डब्बू सिंह जिला फतेहगढ़ जेल भेजे गए। जिला प्रशासन आज और अभी भेज रहे हैं दोनों आरोपियों को ट्रांसफर करने वाले जिले। जेल के बाहर 5 थानों की फोर्स तैनात है जहाँ पर ADM और SP की निगरानी में दोनों आरोपी ट्रांसफर किए जाएंगे। 1997 में हुए 5 लोगों के हत्याकांड के दोनों आरोपी हैं। हत्याकांड के सभी 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुआ। वादी पक्ष राजीव शुक्ला ने भी जिला प्रशासन से जानमाल खतरे की आशंका जताई। टीवी इंडिया न्यूज के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट, हमीरपुर। में राजाजीपुरम के पार्षद शिवपाल समरिया ने कार्यालय पर सभी अधिकारियों को बुलाकर सम्मानित किया। आप बात करते पार्षद कार्यालय पास आए मीटिंग आइए कुछ लोगों से हम पूछते हैं कि कई साल से ये और गंतव्य क्या है। सर आप अपना पक्ष देखिए बताइए क्या साल से आप लोग आपके पास गरीब आते हैं और समस्या बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं शिवपाल सांवरिया पार्षद भारतीय जनता पार्टी राजाजीपुरम। मैं रोड करने वर्ष पार्षद हूँ, पिछली बार मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मैं लगभग 3,000 वोटों से चुनाव जीता और मेरे
प्राथमिकता है, वार्ड के विकास की प्राथमिकता हमेशा रही है, और जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, जो गरीब तबका है, जिसको वाकई हमारी ज़रूरत है, हमारी कोशिश ये रहती है इस कार्यालय में कि उनका काम प्राथमिकता में, क्योंकि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग अपना काम स्वयं कर सकते हैं, या जिनको हम मतलब हमारी योजनाओं की जरूरत नहीं है, उनसे उनको ज़्यादा हमसे काम नहीं पड़ता है। हमारे पास जो गरीब तबका है, जो घरों में काम करता है, या जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, या जो बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे है, तब वो हमारे पास आता है और हमें खुशी होती है कि इस पर क्षेत्र में वो लोग हमको इतना प्यार करते हैं। और खासकर युवा साथी के साथ देख रहे हैं, कार्यालय में बहुत सारे युवा साथियों ने ज्वाइनिंग लिए भारतीय जनता पार्टी से। आप देखिए, हमारे मोदी जी ने एक बात कही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और हम अपने देश की अगर परिकल्पना करें तो 70% जो आबादी है वो युवा आबादी है, 70%। यानी राजनीति में पिछले 10 वर्षों पहले, 8 वर्षों पहले क्या होता था कि राजनीति पुराने लोग करते थे, अभी मोदी जी के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ कि युवा लोग राजनीति कर रहे हैं। जितना युवा राजनीति में है अपने देश में, उतना युवा राजनीति में कहीं नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि जब युवा राजनीति में आएगा तो जातिगत जो समीकरण है उसकी जो विडंबनाएँ हैं वो टूटेंगी, सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे। युवाओं का जो मार्गदर्शन है वो हम लोग करते हैं, हमारे पास युवा साथी आते हैं, उनको हम लोग सही दिशा सही मार्गदर्शन देते हैं। आपसे खुश रहती है? अगर खुश नहीं रहती जनता तो पहले टर्न ओवर में उसने मुझे 1500 वोट जिताया, दूसरे टर्न ओवर में मैं लगभग 3000 भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा, मैं दूसरी बार पार्षद हूँ। आप अपने पर्चे देते हुए बताइए, आप टीम बनाई है क्या, आप चाहेंगे रिलायंस गोयल भारतीय जनता पार्टी से, युवा मोर्चा पश्चिमी दिन से बना दो। और आज तक जो टीम मैंने गठित की है, पहले तो मैं अपने सभी टीम पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। और उम्मीद ये लगाते हैं कि पद की गरिमा रखते हुए अपने क्षेत्र में कुशलतापूर्वक काम करें, और जहाँ भी कभी भी 24 घंटे और 7 दिन में कभी भी जरूरत पड़े हम लोग को याद करें, उस जगह जो भी उचित से उचित हम लोग कार्रवाई कर सकेंगे, कोई भी काम वो करने की कृपा करेंगे और पूरा सहयोग। और मैं अपने लोकप्रिय पार्षद श्री सुखपाल सूर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज हमको इस अपना आशीर्वाद देकर इस मार्ग तक पहुँचाया है, और हमारे कार्यकर्ताओं हमारे पत्रकारियों को भी ऐसे मनोबल बढ़ता रहेगा, वो ऐसी आशीर्वाद देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से आप देंगे मंडल अध्यक्ष हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सबका सहयोग साथ में चलते हैं, माननीय सुभाष सवरिया जी भी सबका सपोर्ट करते हैं, और नई ज्वाइनिंग जो आज हुई है भारतीय जनता युवा मोर्चा में, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए। आप ये बताइए, आप ये खिला रहे हैं, बना दिया सबको खिलाओ, आराम से पीछे देखो, पेड़ लगना तोड़ देना, तो बोले कोई काम करते नहीं करता रहूँगा। और अपने सर जी जो आपको टीम कहा है उसके लिए आप क्या चाहेंगे? हम सबसे पहले अपने बड़े भाई श्री सुभाष मौर्य जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, उन्होंने हम लोग इस लायक समझा, क्योंकि हम लोग पार्टी में काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, लेकिन एक मैदान होता है, मुकाम होता है, जिसको हम अपनी पार्टी को करके दिखा सकते हैं कि हम हर छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है, पार्टी हर लीडर होता है अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से ट्रीट करता है कि कोई लगता है कि हाँ यूथ किया मतलब यहाँ पर हो गया, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं आज से नहीं, हम उनको बहुत पहले से ही जानते हैं, नेचर व्यवहार हर चीज़ बहुत ही अच्छा, छोटे छोटे कार्यकर्ता को और छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुद्ध तक सबको साथ में, हर बुद्धि को सबको साथ में रखते हैं करते हैं, और हमारे वाले छोटा भाई बहुत ही अच्छा कार्य किया। आप जो सदस्य बनाया है तो अगर 24 घंटे में अगर आपको आवश्यकता पड़ेगा तो आप आने में तैयार हो जाएंगे? 24 घंटे क्या, मैं 365 दिन खड़ा हूँ पार्टी के साथ में, और जिस प्रकार भी हो सकेगा, जिस तरीके से हो सकेगा, जो कल्याण हो सके, जन कल्याण हो सके, जो पार्टी जो पार्टी कहेगी, और जो मुझे पार्टी आदेश मिलेगा मैं उसका पूरे।
जितने बताइए कि जनता लिए पूरे जनता के लिए आप क्या करेंगे। हमारा नाम विजय कुमार सिन्हा हूँ बाबा, ठीक है, और अपने बड़े भाई हमारे सुपाल भैया जी, अंकित भैया जी और हमारे दिव्यास भैया जी, इन सबका मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, वो ठीक है, अगर आपको ये 24 घंटा बुलाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, 24 घंटे में तैयार रहेंगे आने के? भाजपा के कार्यालय में भैया 24 घंटा हो जाए 48 घंटा हो, हर समय आना पड़ेगा, क्योंकि कार्य ऐसा हम लोगों का गरीबों का साथ और गरीबों का विकास करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अपने पक्ष से बताइए कि जनता के लिए आप क्या करेंगे? हाँ सुने, हम बालागंज से और अपने बड़े भाई दिव्यांग भाई से लेते हैं कि वो सबका सबके साथ हमेशा वो खड़े रहे। हम आए शिवपाल सवारिया जी, वो यहाँ के राजेपुरम वार्ड के पार्षद हैं, वही बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत गरीबों की सहायता करते हैं और अच्छे अच्छे हैं। V1 इंडिया न्यूज़ के लिए विजय मिश्रा की रिपोर्ट, लखनऊ।